गाने में वो सीक्वेंस ऐसा था, हम कुछ डांस सीक्वेंस कुछ अडॉप्ट करना था फिल्म में, सालसा भी हो सकता था, सांबा भी हो सकता था। ऋतिक ने कहा लेट्स पुट ट्रांस म्यूजिक, वो अपना ट्रांस का स्टॉक ले गया, एक एक करके गाना बजाया और मुझे बताया देखो ट्रांस ऐसे होता है, ऐसे खो जाना है, ऐसे आवाज को प्रोमिनेंट नहीं रखना है, दूर से आवाज आ रही है ऐसा लगना है। उसे शूट करने के लिए हमने पहले से कोरियोग्राफर को बुलाया। अक्सर क्या होता है बॉलीवुड में कोरियोग्राफर होता है वो डायरेक्ट कर रहा होता है और हमेशा, लेकिन हमने ऐसा किया नहीं। ऋतिक न्यू हिज स्टेप्स, उसमें पूरी तैयारी करके आया, फिर बाद में वो ही केम ऑन द फ्लोर। आई एम यूजुअली गोइंग ओके कैमरा बैक ऑन एक्शन 1 2 3 एंड 4 वाज थ्रोइंग द माइक एंड स्टार्टिंग माय स्टेप्स। That's how we shot the song. So it was complete madness. Ritik ne hame rasta dikhaya actually. He held our hand and took us through the song. Anurag ne se shoot bada achhi tarah se kiya hai kyunki it looks very real ke ye dance competition chal raha hai. Ritik bhi aa raha hai, Kangana bhi aa rahi hai. Do step karte hain, fir dusre kuch log aate hain, fir teesre kuch log aate hain. Aisa nahi ki gana pura Ritik par hi hai. Achhe beat pe kaun achha dance kar sakta hai, wo dikha rahe hain. To aapko 3 dance steps एक लाइन में नजर आ रहे हैं। एंड वी कैप्चर द सॉन्ग फ्रॉम बेस्ट पॉसिबल वे, फ्रॉम बेस्ट पॉसिबल एंगल। The beat of the song is so good that when you hear that song in the 5.1 in the theater, it gives you goosebumps. जो म्यूजिक दिया है, I think it's ahead of time. और इस तरह का गाना अब तक बना नहीं। Coming from my uncle, it was just extraordinary. It's one of the best dance tracks that I personally have ever danced on.